बुंदेलखंड में वैसे तो कई ऐतिहासिक स्थल हैं, लेकिन बुंदेलखंड की काशी का देश दुनिया में अलग ही स्थान है। जिस कस्बे से अंग्रेजी हुकूमत के समय करोड़ों का व्यापार होता था, आज उसका नामो निशान मिटने की कगार पर पहुंच चुका है। जी हाँ, बुंदेलखंड की काशी जलालपुर की बेशकीमती धरोहरों को सोने चांदी के लालच में अराजक तत्वों ने भारी नुकसान पहुंचाया है। कहते हैं कि पुराने समय में यहाँ कहीं भी खुदाई करने पर सोने चांदी की मोहरें निकलती थी। यहाँ बने महल इतने विशाल थे कि उनके ऊपर नहाने के लिए तालाब बने मिले हैं। जलालपुर की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि काशी की तर्ज पर यहाँ जंगलों के बीच में 51 शिव मंदिर हैं, जिनमें अपार सोना चांदी था। लेकिन अब यहाँ सिर्फ खंडहर बचा है। एक समय ऐसा भी था जब इन शिव मंदिरों की भव्य छटा देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन अब यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता है। लोग सोने चांदी के लालच में यहाँ दशकों से चुपचाप खुदाई करते चले आए हैं, जिससे अब ये ऐतिहासिक धरोहर नष्ट होने की कगार पर है। ना कोई जला से कोई आया है, ना कोई पुरातत्व वाले आए हैं, ना कोई यहाँ का ध्यान दे रहा है। जलमार्ग के जरिए कभी व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा जलालपुर का पक्का घाट, प्रशासन और पुरातत्व विभाग की लापरवाही के चलते एकदम जर्जर हो गया है। बेतवा नदी के तट पर हूबहू बनारस के घाट की तरह बने इस घाट के जरिए व्यापार होता था। पुरातत्व विभाग की नजरअंदाजी के चलते इस छोटी काशी का अस्तित्व मिटने के करीब है। आप देख सकते हैं इन प्राचीन मंदिरों को कि ये एक समय में कितने दिव्य रहे होंगे, लेकिन देख रेख न होने के चलते आज ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुके हैं। ये पक्का पुल की हालत भी आप देख सकते हैं आज किस कगार पर पहुंच चुका है ये पुल। आज तक यहाँ पर ना तो पुरातत्व विभाग ने कभी देखने की जहमत उठाई, ना ही जिला प्रशासन ने, जिसकी वजह से जलालपुर कस्बा एक ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद आज भी दुर्दशा का शिकार है। हमीरपुर से ईटीवी भारत के लिए अमित मिश्रा।